ये अलवेरा के बगल में प्याजी लगाई रखा है जिस हिसाब से जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, पलग, कैसे हैं आप? आयो, आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। आज खटीमा का मौसम जो है कल से थोड़ा खुलने लग गया, आज भी थोड़ा हल्की फुल्की जो है धूप आ रही है। मैं आपको यहाँ का पहले वेदर दिखा देता हूँ। ये गाइज आप देख सकते हैं खटीमा का वेदर कुछ इस प्रकार से है। खटीमा का वेदर इसे ये रहा। अभी मैं आपको अपनी छत से जो है खटीमा का व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये टावर है, ये आप यहाँ से बिल्कुल नज़ारा देख सकते हैं। हल्की धूप है फिर मस्त नज़ारा है, ये देख सकते हैं अभी। खटीमा का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। BSNL का टावर है बड़ा वाला सबसे ऊपर। ये है यहाँ का वेदर, आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मुश्किल से जनवरी महीने में मुझे लगता है 4-5 बारी धूप आई है। यहाँ का ये हाल है। ऊपर अपने छत का गार्डन दिखाता हूँ। देखो ये छत का गार्डन देख सकते हैं, ये अलवेरा, ये देखो अलवेरा। ये अलवेरा के बगल में प्याज भी लगाई रखा है जिस हिसाब से जगह है। टीन में, दो टीनों में ये ड्रम होते हैं उसको काट के, ये यहाँ से गमले, अलवेरा, धनिया, ऐसे मैंने नंबर वाइज लगा रखे हैं। ये टमाटर अभी जो है पाला पड़ा टमाटर खराब होने लग गया है। देखो ये लहसुन, ये है छत की हरियाली, ये एलोवेरा, ये धुंवार कहते हैं उसको पहाड़ी में, ये पेड़ बताओ काहे का पूजा करते हैं, शम्मी का है ये देखो एलोवेरा। देखो ये मैंने स्टैंड में ऐसे लगा रखे हैं एलोवेरा। जैसा ये एलोवेरा आजकल कॉमन हो गया है, आप सब जानते हैं हर चीज़ में एलोवेरा का क्या महत्व है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं। इसको आप, मैं यही कहूँगा कि आप भी एक आध पौधे लगा लो। ये चेहरे पे लगाया जाता है, बालों पे, इसका जूस पियो, इसमें कई फायदे हैं। इसको डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि एलोवेरा को लगाना चाहिए। मैंने एक नहीं, जहाँ तक है ये एलोवेरा का गार्डन ही बना दिया पूरा, जहाँ तक 8-10 गमलों में लगा के इसका आराम से सुबह सुबह थोड़ा जूस पियो 1-2 चम्मच, ज़्यादा भी नहीं पीना है। और देखो जो ये इसके ये फूल आए हैं ना, ये पुराने पौधे में आते हैं, जो 3-4 साल पुराना पौधा होता है। देखो ये बहुत ही इसको शुभ माना जाता है। इसको आप एक कपड़े में लपेट के अपने जहाँ तिजोरियाँ कहते हैं वहाँ रख सकते हो, बताते हैं ऐसा लाल कपड़े में बांध के, इसमें आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी कहते हैं, ऐसा कहावत है। कहावतों को मानना भी चाहिए। अभी एक आध गिर गई थी, अभी रखना पड़ेगा इसको, आप ये देख सकते हैं नज़ारा। दोस्तों यही है यहाँ का नज़ारा। अब मैं अपने छोटा सा ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।